स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको अभी इस वक्त नाइकॉन जी सीरीज़ कैमरा और कैनन ईओएस आर सीरीज़ कैमरा नहीं ख़रीदना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करना है आपको। तो सबसे पहले ये समझिए कि सोनी जो है, जो जिसके चलते ये इतना हड़कंप मच गया, वो डिले कर दिया अपना नया कैमरा को लाने से। नाउ आप ये समझिए कि सोनी हर मतलब दूसरे साल पे अपना कैमरा उतारता है। जनरली हर कैमरा मैन्युफैक्चरर यही टाइमलाइन फॉलो करता है, हर साल मोबाइल की तरह नहीं उतारा जाता है, हर दूसरे साल में उतारा जाता है। सोनी का वो टाइम ख़त्म हो गया। फ़ोटो कीना में सोनी को आना चाहिए था एटलीस्ट एक अनाउंसमेंट के साथ कि ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, वो भी नहीं किया गया। और इस कारण से और जो जो एग्जीक्यूटिव थे सोनी के, वो लिटरली बता रहे थे कि हम ये डिले कर रहे हैं कि अपने कैमरा को हम लोग और बेटर करना चाहते हैं। वो ऐसा हो रहा है कि सोनी के चलते नाइकॉन और कैनन जो है A7 Mark III के चलते नाइकॉन और कैनन दोनों कूद गए मिररलेस वर्ल्ड में, क्योंकि सोनी को अब सीरियस मान रहे हैं। तो सोनी भी अब और सीरियसली कूदने वाला है, जो Mark IV में या कोई और वर्जन हो कैमरा का जिसमें वो थोड़ा और फीचर्स देके इसको एकदम सॉलिड कर देना चाहते हैं कि वापस कोई ना सोनी से वापस कोई ना चला जाए। तो सोनी ये कर रहे हैं अपना, उन्होंने लॉन्च डिले कर दिया है। तो अब जो है अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगा, जनवरी के आसपास हो जाना चाहिए। हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप ही का फ़ायदा होगा, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। और फिर पैनासोनिक भी कूद गया। तो पहले तो सिर्फ फुल फ्रेम में सीरियसली दो लोग को माना जाता था, नाइकॉन और कैनन को, उसके बाद सोनी घुस गया तो तीन लोग हो गए। अब पैनासोनिक कूद गया है, तो अब ये समझिए कि पैनासोनिक कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन पैनासोनिक कुछ कर सकता है, इसीलिए उसे डार्क हॉर्स कहा जा रहा है इस रेस में। फिर आप ये समझिए कि हुआ ये कि जब कैनन ने अपना कैमरा उतारा है, कैनन का कैमरा हल्का है, मतलब कैनन के DSLR के लेवल पर, जो DSLR उनका मतलब उस दाम का DSLR है उसके बदले अगर आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक है कैनन का ये कैमरा इतना दाम का है DSLR सीरीज़ में और EOS R इस सेम दाम का है, बराबर भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, किसी भी हालत में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बदसूरत कैमरा है, मतलब बदसूरत कहना सही बात नहीं है, मतलब घटिया कैमरा है। फिर हम बात करते हैं नाइकॉन जी सीरीज़ के बारे में। ये कैमरा भी बहुत कमज़ोर कैमरा निकला, मतलब अब आ चुका है लोगों के पास, अब लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रही है, बड़ा हल्का कैमरा निकला। फिर अब बात ये करते हैं कि जैसे ही सोनी अपना कैमरा उतारेगा और जैसे ही पैनासोनिक अपना अनाउंसमेंट करेगा, फाइनल अनाउंसमेंट, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको वेट चाह रहा हूँ कि आप वेट करें, कि बहुत लोगों को नहीं पता सोनी A7 Mark III मतलब कुछ ही दिन बाद आया था जब ये कैनन 6D Mark II आया था। कैनन 6D Mark II बहुत ख़राब मतलब कैमरा निकला, उससे फुल फ्रेम दिया और कुछ नहीं दिया, मतलब डुअल कार्ड स्लॉट भी नहीं दिया, तो प्रोफेशनल नहीं यूज़ कर सकते थे। और उसका मतलब ये क्या बोलते हैं डायनामिक रेंज, मतलब कितने कलर्स को अच्छे से दिखा सकता है, कितना ब्राइटनेस और डार्कनेस को दिखा सकता है, वो मतलब मेरे इस कैमरा जो कि उससे आधा प्राइस का है, आधा से आधा का प्राइस का है कैनन 800D, उसके कंपेयर में ख़राब था। तो मतलब एक, और उसका दाम वो लोग $2000 रखे थे, लेकिन जैसे ही सोनी ने $2000 में एक प्रोफेशनल कैमरा उतार दिया, धड़ाक से मतलब समझिए कैनन का दाम घटाना पड़ गया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रुक जाइए, क्योंकि दाम जो उन्होंने घटाया वो बहुत भारी था, और गलती से मान लीजिए तुक्के मारे अगर पैनासोनिक का कैमरा अच्छा निकल गया तो दाम और घट जाएगा। इसलिए अभी आपका खरीद लेना, आपको कुछ महीने रुकना पड़ सकता है, 6 महीने तक आपको रुकना पड़ सकता है, लेकिन उतना रुकने के बाद एक आप भारी भरकम रकम बचा लीजिएगा और आप एक नया लेंस खरीद पाइएगा, इतना दाम बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ रुकिए। तो आगे मैं डिटेल बाय डिटेल आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ। तो फिर ये समझिए कि नाइकॉन का आप कैमरा क्यों नहीं लेना चाहिए। अभी Z7 उन्होंने उतारा है, ठीक है, तो Z7 जो है प्रोफेशनल के लिए मतलब हाई रेजोल्यूशन मॉडल है, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि बफर अच्छा से परफॉर्म नहीं करता, उसका ये प्रॉब्लम होता है कि रॉ फाइल जो आते हैं कैमरा से वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब मेमोरी कार्ड आपको बड़ा खरीदना पड़ेगा। अब चूंकि इसमें XQD यूज़ किया जाता है, SD नहीं यूज़ किया जाता है, XQD कार्ड पागल जैसा महंगा है, मतलब आप 128 GB XQD कार्ड का दाम 10,000 से 12,000 आता है, तो आप समझ लीजिए XQD कार्ड सस्ता नहीं है, तो आपको छोटा कार्ड ही खरीदना पड़ेगा, 64 GB का कार्ड खरीदना पड़ेगा। अगर आप वैसा करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा वो उतना कार्ड जल्दी खा जाएगा, इसलिए Z6 के लिए रुकिए। और नाइकॉन जो है अभी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है अपना बैक ऑर्डर के बदले चलते, मतलब बैक ऑर्डर को आप ये समझ लीजिए कि लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया D850 से लेकर
P1000 तक को ऑर्डर देते जा रहे हैं लोग, लेकिन नाइकॉन डिलीवर नहीं कर पा रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि मतलब, हाँ अगर पहले से स्टॉक है किसी दुकान के पास तो शायद आप जाके आराम से खरीद लें, लेकिन बड़े बड़े दुकान के तो सबके स्टॉक खत्म हो गए हैं और लोग जा रहे हैं और रुकना पड़ रहा है उनको। मतलब उनका पेमेंट लिया जा रहा है, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और रुकना पड़ रहा है 1 महीने से 6 महीने तक कि आपका कैमरा आ जाएगा। तो इसलिए ये बात पर ध्यान रखिए कि रुकना अभी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, खास करके नाइकॉन सिस्टम के लिए। और नाइकॉन के एग्जीक्यूटिव खुद ये बात बोले कि नाइकॉन जी सीरीज़ कैमरा प्रोफेशनल के लिए नहीं बनाया गया है। अब आप इस पर बोलेंगे तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि प्रोफेशनल के लिए नहीं बनाया तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दाम पे। एक प्रोफेशनल कैमरा का दाम अगर $2000 है तो आपके जो एमेचर कैमरा है उसका दाम उससे कम होना चाहिए। D850 और Z7 का दाम एक जैसा नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। D850 अगर मान लीजिए आपको सीरियसली फोटोग्राफी करनी है, आपको क्वालिटी चाहिए कि हाँ मुझे क्वालिटी चाहिए, आपको लेंसेस चाहिए। प्रॉब्लम ये भी हुआ कि चूंकि आप एडाप्टर लगा के अगर लेंस लगाएंगे तो थर्ड पार्टी के जो लेंसेस हैं जैसे कि सिग्मा, टैमरॉन, वॉइटलैंडर या मतलब बहुत सारे अलग जाइस, ये सब के जितने थर्ड पार्टी लेंसेस हैं वो सब शायद ना चलें। रिसेंटली ये बात सामने आई है कि नाइकॉन का मतलब एडाप्टर ढंग से काम नहीं कर रहा है ये सब थर्ड पार्टी के साथ। ये इसलिए हुआ कि नाइकॉन ने अपना लेंस माउंट को कभी खोला नहीं था। आप पूरा डिटेल इस वीडियो में देख सकते हैं नाइकॉन के बारे में। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, सीरियस है, तो आप 850 से ज़्यादा खुश रहेंगे। हाँ ये बड़ा है, ये भारी है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं है, लेकिन बाकी सारा चीज़ अच्छा है। प्लस इसका ऑटो फोकस 10 गुना बेटर है इससे। आपका कोई भी हल्का कैमरा होने का कोई खास मतलब नहीं है अगर आप फोकस मिस कर जाते हैं। मतलब जेरेड फ्रोनोस फोटो एक बंदा है जो काफ़ी पॉपुलर है फोटोग्राफी कम्युनिटी में और वो नाइकॉन का बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन वो भी हार मान गया कि भाई इसका फोकस ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि Z6 के लिए वेट कीजिए, शायद वो बेटर हो। एटलीस्ट फाइल साइज़ के लिए तो छोटा हो जाएगा जो कि कार्ड के लिए सस्ता होगा आपके लिए। तो आप मेरा पूरा वीडियो चेक कर सकते हैं और मैं यही बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी लेंसेस काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आप ये लेते हैं तो थर्ड पार्टी लेंस काम करेगा, ये लेते हैं तो सुभान अल्लाह है आपका, शायद काम करे शायद ना करे। तो फिर हम आते हैं, ठीक है वो तो नाइकॉन ने किया बेवकूफ़ी, अब आते हैं कैनन के बारे में। कैनन सीधा सीधा फर्मवेयर बेवकूफ़ी कर दिया, जो नाइकॉन भी कर रहा है, नाइकॉन भी कर रहा है हमारा फर्मवेयर ठीक कर देगा, फर्मवेयर ठीक कर देगा। नाइकॉन का ये मतलब कैनन का भी यही हुआ कि फर्मवेयर ख़राब है। मतलब ये लोग खुद आई ऑटो फोकस सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, मतलब अभी जो सिस्टम है वो फेस ऑटो फोकस है। तो इसमें ये होता है कि कभी आपका मतलब चीक आ जाता है फोकस में, कभी नाक का ये टिप आ जाता है फोकस पे। ये मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कई कई लेंसेस इतने शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देते हैं कि अगर आप नाक यहाँ पे फोकस किए, नाक पे मतलब यहाँ पे फोकस किए, वो चेहरा आपका ब्लर होने लगता है। थोड़ा सा ही ब्लर होता है लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप आँख पे फोकस कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है वो फोटो। बहुत सॉफ्ट फीलिंग आती है, बहुत रोमांटिक फीलिंग आती है और पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आई ऑटो फोकस उन्होंने दिया जैसे सोनी करते आ रहा है, लेकिन उसमें यह है कि आप वन शॉट है, वो खींचे रुकिए, खींचे रुकिए। अगर बर्स्ट मोड में किया तर वो ऑटो फोकस बंद कर देता है। कैनन कह रहा है कि नहीं हम ठीक कर देंगे इसको फर्मवेयर में। दोनों कैनन और निकॉन अभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये दोनों कैमरा उतारे मार्केट में और इसमें मतलब फर्मवेयर देना पड़े। ये दोनों बहुत बुरा फर्मवेयर उतारे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि हमारा फर्मवेयर हम ठीक कर देंगे। दूसरा कैनन का बैड ऑटो फोकस, मतलब जैसे मैं अभी कैनन का डुअल पिक्सल ऑटो फोकस खुद यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर मुझे भरोसा है, तभी तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। और इनका इतना महंगा कैमरा EOS R ऑटो फोकस मिस कर देता है। नीचे लिंक में मैंने DP रिव्यू का वीडियो दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें मैंने टाइम कोड भी दिया कि 4 मिनट और 8 मिनट पे कहाँ कहाँ पे वो जो वीडियो दिखा रहे हैं जो कि कैनन EOS R से शूट किया गया, कितना धुंधला मतलब शार्प नहीं है और फोकस मिस कर जा रहा है, मतलब खड़े चीज़ में फोकस मिस कर दे रहा है जैसे पैनासोनिक करता है। तो आप ये समझिए कि कैनन के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि कैनन का कैमरा ऑटो फोकस ख़राब कर रहा है। तो इस कैमरे का मतलब नहीं समझ में आ रहा। और मतलब क्योंकि वीडियो की आप क्वालिटी देखेंगे तो फुल HD में, मान लीजिए आपको ये क्रॉप से मतलब नहीं, आप बोलोगे नहीं यार 4K मेरा कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव बहुत खाता है, हम 4K नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है फुल HD में फुल फ्रेम मिल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन देखिए उसकी शार्पनेस इतनी कम है, इतना ख़राब क्वालिटी का है वो कि आप देख के बोलोगे यार इससे बढ़िया तो मैं GoPro खरीद लेता। तो और मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ जो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बुरी तरह से इन्होंने अपना ही कैमरा को क्रिपल कर दिया है। तो मेरे उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि क्रिपल क्या है, क्यों है। तो कैनन तो समझ लीजिए आउट हो गया है रेस से।
फिर हम आते हैं सोनी के बारे में। तो सोनी के बारे में काफ़ी लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि मैं सोनी के बारे में बताऊं। तो मैं शुरू में सोनी के बारे में पहले बहुत पहले वीडियो बनाया था इसी चैनल में, जो आप देख सकते हैं पुराना जाके, जिसमें ये था कि मैं सोनी का उस टाइम इतना बड़ा फ़ैन नहीं था क्योंकि सिस्टम अभी पूरा रेडी नहीं था। अब सोनी जो है, सोनी का प्रोफेशनल सर्विस, जैसे यानी कि मतलब आपका कैमरा ख़राब होगा आप सीधे देंगे, वो आपको एक रिप्लेसमेंट कैमरा दे देंगे। मतलब हाँ, आपको उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है, सालाना आपको उनके लिए पैसा देना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस टाइप है। तो लेकिन वो कर सके, मतलब कि इंश्योरेंस अवेलेबल हो जाना प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी बात है। तो सोनी अब वो सब जो प्रॉब्लम था उसको ठीक कर रहा है, तो ठीक है चलो अब सिस्टम पे थोड़ा भरोसा आ गया। दूसरा ये है कि इनका लेंस सिलेक्शन बहुत बड़ा है। तो आप बोलोगे नाइकॉन और कैनन तो 300-300 लेंस रखे हैं, बात सही है, लेकिन मैंने आपको जैसे ही बताया नाइकॉन के साथ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है और शायद ये कैनन के साथ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कैनन के थर्ड पार्टी लेंसेज, क्योंकि नीदर मतलब ना ही कैनन ना ही नाइकॉन ने अपना लेंस माउंट खोला था, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिदम को बाहर शेयर नहीं किया था। तो जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर थे वो गेस वर्क करके बनाए हैं लेंस, मतलब बैक इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है। तो तुक्का मार मार के चल रहा है वो, तो शायद आपका अडाप्टर के साथ काम ना करे, खास करके थर्ड पार्टी लेंस। दूसरा, आप कैमरा ही इतना महंगा है प्लस दोनों का अडाप्टर भी बहुत महंगा है, तो क्या आप कैमरा खरीदने के बाद एक अडाप्टर महंगा खरीदना चाहोगे? मतलब आप तो चाहोगे ना भाई जो नेटिव लेंस है वही लगाएं। और तो नेटिव लेंस के हिसाब में सोनी बहुत आगे चला गया है। सोनी का जैसे ये लेंस जी मास्टर सीरीज़ का एक लेंस है, इसमें पावर जूम की सेटिंग दी गई है, मतलब आपको जूम करने के लिए जैसे हैंडीकैम में आप एक बटन दबाते हैं लेंस आगे पीछे हो जाता है, ये DSLR में दे रहे हैं, मतलब SLR में दे रहे हैं, मतलब ये मिररलेस में दे रहे हैं। हाँ, उनका DSLR लाइन में भी ये लग जाए शायद। तो लेंस तो उन्होंने ठीक कर लिया, प्लस उन्होंने अपना लेंस का माउंट खोल दिया और सिग्मा को शेयर कर दिया। तो सिग्मा रिवर्स इंजीनियर नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे बना रहा है। तो सिग्मा जो सीधे सीधे बना रहा है उसे ये फ़ायदा होगा कि सिग्मा का लेंस जो है बहुत बढ़िया से काम करेगा और सिग्मा बहुत सस्ते दाम में लेंस बनाता है जो आप खरीद पाओगे। ऐसा नहीं है कि मतलब लेंस है $5,000 का, आप तो भाई क्षमा करो, तो सिग्मा का लेंस आप खरीद सकते हैं। जैसे मेरे पास ही ये सिग्मा का 17-55 mm लेंस है, पुराना लेंस है लेकिन सिग्मा का है, और मतलब इसी कैपेसिटी का अगर मैं कैनन लेंस लेने जाता तो दाम से तो मैं उड़ ही जाता। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी का लेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो दाम बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी आप सोनी पे खर्च कर सकते हैं क्योंकि सोनी का खुद का लेंस चालू हो चुका है, मतलब वो चार लेंस नहीं है उनके पास 40 लेंस है ऑलरेडी, मतलब जो आप मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। और सिग्मा भी अपना लेंस उतार रहा है, टैमरॉन भी अपना लेंस उतार रहा है, तो आप देख सकते हैं मतलब लेंस के मामले में उन्होंने सारे समस्या सॉल्व कर दिया। फिर इनका एक कमी है जो है कि फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं देते, कि मतलब जैसे मैं अभी अपना वीडियो बना रहा हूँ तो स्क्रीन बाहर निकाल के रख रहा हूँ, स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ, ये सोनी नहीं करता है। तो क्या ये करेंगे अपने नए कैमरा में? चांसेस बहुत कम है, मैं इस पर भरोसा नहीं करता कि सोनी सही में करेगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस कैमरा में यानी कि सोनी A7 Mark III में ऑप्शंस ही नहीं छोड़ा गया है, मतलब ये कैमरा में इतने फीचर डाले गए हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी की मतलब क्या क्या और किया जा सकता है वो बहुत कम है। मतलब एक चीज़ ये करेंगे कि मतलब कार्ड स्लॉट 2 जो था वो UHS-1 था, उसको UHS-2 कर देंगे, तो हाँ उससे बफर परफॉर्मेंस सुधर जाएगा, मतलब कार्ड मतलब उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो मतलब सही थोड़े मोड़े चीज़ है, मतलब कि हाँ एक फ्लिप आउट स्क्रीन दे दो, ऑटो फोकस में तो कुछ बोल नहीं सकते, और इस फोटो टीना में कैमरा ना अनाउंस करके उन्होंने अनाउंस किया कि उनका ऑटो फोकस सिस्टम अब जानवरों की आँख पे फोकस कर पाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका डॉगी है, आप उस पर फोटो खींच रहे हैं तो डॉगी का आँख फोकस में रहेगा। मतलब जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं खास करके स्टैटिक बर्ड के, जैसे उल्लू है या कोई भी बर्ड है जो एक जगह रुका हुआ है, उस पर आप जूम कीजिएगा उसका आँख पे फोकस कर लेगा। तो सोचना ही नहीं, मतलब सोनी तो आगे ही चला गया है। तो आप समझिए कि इस कैमरा में वो कुछ खास दे नहीं सकते, उन्होंने बैटरी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है जो कि दोनों से बेटर है। तो अब ये इनको बस थोड़ा सा अगर ये कुछ और करेंगे तो सीधे ये नाइकॉन और कैनन से ऊपर चले जाएंगे, हैं ही ऑलरेडी ऊपर, मतलब एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि और अगर इन्होंने किया रिलीज़ किया कैमरा को और दाम इसका $2,000 रखा, बाकी दोनों कैमरा कंपनी का दाम घट जाएगा, इसलिए रुकना आपके लिए बहुत सही माना जाएगा अभी। फिर हम आते हैं डार्क हॉर्स के बारे में, जानते हैं पैनासोनिक के बारे में। तो पैनासोनिक चूँकि कैमरा मार्केट में वो 10 साल से है, मतलब 2000 से घुसा हुआ, यानी 18 साल से हो गया है इसका, और तो मतलब डिजिटल कैमरा पहले उतार रहा था, अब पैनासोनिक सीरियस हो गया है, GH5 के बाद से पैनासोनिक का नाम हो गया है। पैनासोनिक के पास सब चीज़ तो ठीक है, सब मतलब माइक्रो फोर थर्ड के मामले में उससे तो भिड़ना ही नहीं है, लेकिन अभी भी उसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ही बचकाना है। मतलब आप उसके ऑटो फोकस सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते, जैसे मैं इस ऑटो फोकस सिस्टम पे भरोसा कर रहा हूँ वैसे उस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो उनको बस वही प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ऑटो फोकस सुधार लेना है, उनको बस एक ही प्रॉब्लम है। दूसरा बात मतलब ठीक है वो तो नया सिस्टम है, लेकिन जैसे नाइकॉन और कैनन के पास सिर्फ 3 या 4 लेंस है स्टार्टिंग में, इसके पास भी वही प्रॉब्लम होगा? नहीं, यहाँ पे पैनासोनिक ने एक बहुत स्मार्ट आइडिया लगा दिया। पैनासोनिक ने क्या किया कि लाइका के साथ उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ा लिया। पहले से ही था पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप बढ़ा लेने से फायदा ये होता है कि लाइका का जो फुल फ्रेम माउंट है यानी एल माउंट, उन्होंने उसको अपने कैमरा में यूज़ किया। तो फ़ायदा यह है कि एल माउंट का इस्तेमाल करने लाइका के जितने लेंसेस हैं वो ऑल मतलब इस पे काम करेंगे, और थर्ड पार्टी लेंस जो लाइका के लिए बनाया गया वो भी इसमें काम करेगा। और पैनासोनिक ने अपना लेंस आर्किटेक्चर को खोल दिया है, तो वो सिग्मा में डायरेक्ट सिग्मा भी जैसे सोनी के लिए नेटिव लेंस बना सकता है, वैसे पैनासोनिक के लिए भी नेटिव लेंस बना। तो समझिए तीन कंपनी कूद गई है। तो पैनासोनिक ने आते ही मतलब ये सोनी से भी बेटर एंट्री मार रहा है मार्केट में, मतलब स्टार्ट होते ही इनके पास बहुत बढ़िया एक सिस्टम है। तो लेंस के मामले में तो आपको सोचना नहीं है कि स्टार्ट होगा और अच्छा होगा। और मैं कहूँगा कि आप थर्ड लाइका का थर्ड पार्टी लेंसेस देखिए, लाइका खुद का लेंस मत देखिए, वो सब 5-6 हज़ार मतलब 3-3.5 लाख रुपये का लेंस होता है, तो आप थर्ड पार्टी का देखिए जो 50-60 हज़ार का होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लेंस का प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दिया। फिर काफ़ी लोग दुखी थे कि मैंने पैनासोनिक के बारे में वीडियो बनाया, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिटेल में जैसे मैंने एस के बारे में बात किया कि फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है, तो शायद ये लोग ऐड करते हैं क्योंकि एक पैनासोनिक एग्जीक्यूटिव ने एक बंदे को यूट्यूब चैनल के बारे में बताया एन गैजेट के बारे में कि वो शायद ऐड करें, शायद है, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता लेकिन शायद हो जाए। और पैनासोनिक होते हुए मुझे चांसेस है कि पैनासोनिक दे दे, क्योंकि काफ़ी लोग दुखी होगा इस बात से कि ये पैनासोनिक फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दे रहा, जो कि मतलब फ्लिप आउट को कूल बनाया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि अभी ब्रेक लगा देना खरीदारी पे क्यों अच्छा बात होगा। हाँ, आपको थोड़ा तकलीफ होगा कि 5-6 महीना से लेकर लगभग आधा साल तक रुकना पड़ सकता है, तो लेकिन आपका पैसा बचेगा। और अगर अच्छा कैमरा आपके खरीदने के बाद रिलीज़ किया, जैसे कि आप आज खरीदे और अगले महीना रिलीज़ किया, आप बहुत तेज़ सिर पिटोगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। अगर आप इतना दूर तक देखें सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो अगर आप फ्री हैं तो घंटी भी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।